वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन व्हिच वाज डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पाश्चर एंड स्वेंजानी एंड अदर साइंटिस्ट बिकॉज दे हैव डन एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने स्वान लेक फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट्स किए थे और थ्योरी को डिसप्रूव किया था. और उन्होंने ये बोला था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होती है? फ्रांसिस्को रेडी लुईस पाश्चर उन्होंने फिर बायोजेनेसिस की थ्योरी दे दी. तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी बोलती है कि लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है. इट स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ और स्पॉन्टेनियसली नहीं आती है. तो इसमें फ्रांसिस्को रेडी ने 1665 में मैगॉट्स के साथ उसने कहा कि अगर वो कहीं पर एक मीट का किसी ट्रे में एक मीट का पीस रखते हैं तो वहां पर अपने आप वहां पर जो फ्लाइज होती हैं वो आ जाती हैं. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग लोग समझते थे कि मैगॉट से फ्लाई बनती हैं, मैगॉट से फ्लाई जनरेट होती हैं. बट रियलिटी ये है कि जब फ्लाइज आई होंगी यहाँ पर बिकॉज मीट है यहाँ पर ओपन अनकवर्ड, तो उन्होंने यहाँ पर एग ले किए होंगे और उन एग्स की वजह से ही उनमें उनसे ही वो मैगॉट्स बने हैं. तो स्मॉल लार्वास बने हैं फ्लाई के और इसीलिए वहां पर आए हैं. पैश्चर ने क्या करा? पैश्चर ने दो कंटेनर लिए जिनमें से एक कंटेनर को उसने ओपन नेक रखा और उसमें भी उसने एक ब्रॉथ रखा है इन्फ्यूजन का, और दूसरे में उसने ओपन नेक ना रखने की जगह उसने इस फ्लास्क को नेक इसका स्वान नेक कर दिया, यानी कि एस शेप का इसका नेक कर दिया और फिर इसे ओपन करके रखा. अब एस शेप के नेक से क्या हुआ कि एयर जो इस तरफ से आ रही थी और एयर के अंदर जो माइक्रोब्स आ रहे थे वो यहाँ पर इसके स्वान नेक में एस शेप के नीचे बैठ गए, ट्रैप हो गए. और यहाँ पर जो अंदर कुछ उसने फूड मटेरियल रखा हुआ था हे इन्फ्यूजन, उसके अंदर इस वाले फ्लास्क में स्वान नेक फ्लास्क में उसे कोई लाइफ नहीं दिखी, जबकि ओपन फ्लास्क में जो उसने हे इन्फ्यूजन रखा था उसके अंदर ही फाउंड द माइक्रोबियल लाइफ, उसको यहाँ पर माइक्रोब्स दिखे. तो स्ट्रेट नेक फ्लास्क में माइक्रोब्स क्यों आए? बिकॉज उसमें एयर आ पा रही है और एयर के साथ ही एयर के अंदर ही फंगल और माइक्रोबियल स्पोर्स उसके अंदर आ रहे हैं और वो उसके इन्फ्यूजन को एज अ फूड यूज करके और फिर वो उसके अंदर ग्रो हो रहे हैं. पाश्चर ने बैक्टीरिया मोल्ड्स देखे ओपन कंटेनर में और जब उसने देखा कि स्वान नेक फ्लास्क में वो करता है तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं और वो डस्ट बॉर्न माइक्रोब्स को स्वान नेक फ्लास्क आने नहीं देता. तो ये उसका थ्योरी था, ये उसका एक्सपेरिमेंट था. कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया क्या कहती है कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है स्पोर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आते हैं और स्पोर्स यानी कि उनके अकॉर्डिंग लाइफ अर्थ पे बाहर से आई हुई है दूसरे प्लैनेट से बाहर से आई है और इसको थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया कहते हैं. और जो बाहर से आए हुए स्पोर्स हैं उन्हें पैंस्पर्मिया ही बोलते हैं. और उन जैसे मीटरॉइड्स, बाहर के मीटरॉइड्स चकराते हैं और वो अर्थ पे गिरते हैं और उनके अंदर लाइफ आ जाती है. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इट स्टेट्स दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर गॉड. तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये बताती है कि जो लाइफ है वो गॉड ने क्रिएट करी है. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ओपरन एंड हाल्डेन इन्होंने प्रपोज करी है और ये कहती है थ्योरी कि लाइफ ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग मटीरियल से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, और जैसे कि मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, यही लाइफ के मोनोमर्स बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं जैसे शुगर्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इस तरह के ये मोनोमर्स बनाते हैं और इनसे लाइफ आती है. तो हम बाकी थ्योरीज को तो एक्सप्लेन नहीं करते एक्सपेरिमेंटली, बट ओपरेन एंड हाल्डेन की केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है बाय यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेबीएस हेल्डेन एंड स्टैनले मिलर हैरोड यूरे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ने यूरे मिलर ने इन ओपरेन और हेल्डेन की केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया. जैसे आपको पता है कि कोई भी थ्योरी जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होती तो इट इज नॉट वैलिड,
तो दी केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी ऑपरेन और हेल्डेन है, पर एक प्रूफ किसने किया? यूरे और मिलर ने किया। नाउ दे क्रिएटेड कंडीशन सिमिलर टू प्रिमिटिव अर्थ। उन्होंने क्या किया, अपने एपरेटस में उन्होंने सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करी जो अर्ली अर्थ पे थी, और उन्होंने ये देखा कि उनका जो गैस चेम्बर था, उनके इनका एपरेटस एक बार देख लेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यू कैन सी द डायग्राम, जहाँ पर आप देख रहे हैं गैस फ्लास्क है, और गैस फ्लास्क एक बॉइलिंग वाटर फ्लास्क के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट दिस इज गैस चेम्बर जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लग रहे हैं। दीज आर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इससे स्पार्क क्रिएट हो रहा है इसमें, यानी एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड से जो स्पार्क आ रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज। और इस गैस चेम्बर में ये फोर गैसेस प्रेजेंट हैं, यानी मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड H2। एंड उसके बाद यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाई हुई है, और उसे दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट करा हुआ है जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर यहाँ पर वेपर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता है गैस चेम्बर में, तो H2O इसमें वेपर्स के फॉर्म में है। एक तरफ से वाटर अंदर आता है, और एक तरफ से यहाँ से वाटर इन हो रहा है, और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। और वाटर क्या कर रहा है, इसमें हीट भी जनरेट हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री का टेम्परेचर दे रहा है। इतने टेम्परेचर में गैसेस क्या हो रही हैं, आपस में रिएक्ट कर रही हैं। ये फोर गैसेस 800 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर रही हैं, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स बना रही हैं जिन्हें कंडेंस किया जाता है। कुछ ये वेपर्स फ्यूम्स देती हैं, और उन्हें कंडेंस किया जाता है फ्यूम्स को, और फिर यहाँ पर इस ट्रैप में लिक्विड ट्रैप होता है, यहाँ पर लिक्विड होता है जिसे हम सैम्पलिंग के लिए निकाल सकते हैं। तो जब कुछ दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट चला गया, उसके बाद चलाने के बाद इसमें ट्रैप में देखा गया कि किस तरह का पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसमें पता चला कि इसमें शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, यानी बायो मॉलिक्यूल इसके अंदर बन रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स बने इसके अंदर। यहाँ पर इसके स्टेप्स से रखे हैं कि उन्होंने सिमिलर कंडीशंस अर्थ पे जैसी हैं वैसी क्रिएट करी गई, और अमोनिया, वेपर्स, ये अर्ली अर्थ का एटमोसफेयर वाली गैसेस हैं, इनको इन्होंने गैस चेम्बर में रखा गया। दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस क्लोज फ्लास्क में, इन सारी गैसेस में 800 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, जिसकी रिजल्ट से अमाइनो एसिड्स बने, और अमाइनो एसिड्स बने। सिमिलर एक्सपेरिमेंट जब दूसरों ने किए, तो उन्हें शुगर्स मिली, नाइट्रोजन बेसिस मिले, पिगमेंट्स मिले, यानी ऐसी चीजें, सिंपली गैसेस से बनाना ऑर्गेनिक चीजें पॉसिबल है, जो कि यूरे मिलर ने बनाकर दिखाया। तो इसीलिए बिकॉज दे आर वर सक्सेसफुल इन मेकिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसेस, केमिकल एवोल्यूशन वॉज वेल एक्सेप्टेड, एंड फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड विच आर कंसिडरेबली डिक्रीज इन अर्थ एटमोसफेयर ओवर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केम टूगेदर एट रेंडम एंड फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन द लाइटर एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन वर मोस्ट अबंडेंट, आउटर मोस्ट लेयर में ये सबसे ज्यादा थी, तो उनके एटम रिएक्ट हुए एक दूसरे से, और उन्होंने फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। अर्लीएस्ट मॉलिक्यूल जो बने वो हाइड्रोजन गैस बनी, नाइट्रोजन बनी, अमोनिया बनी, मीथेन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। एंड एनर्जी रिक्वायर जो हो रही थी इनको बनने के लिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स इनसे होती थी, थंडर्स होते थे तब, तो वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सोर्स होते थे, बिजली कड़कती थी अर्ली अर्थ पे, तो वही ये गैसेस बना रहे थे। और फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज द अर्थ कूल्ड फर्दर, अर्थ जब बहुत और ठंडी हुई, तो प्रिमिटिव इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करने लगे, कंबाइंड होने लगे, ये जो गैसेस थी आपस में इंटरैक्ट करने लगी, सिंपल शुगर, फैटी ग्लिसरॉल्स, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, प्यूरीन, पिरिमिड, ये सब बनने लगे सिंपल ऑर्गेनिक, यानी मोनोमर्स की बात हो रही है कि बायो मॉलिक्यूल्स के मोनोमर्स, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, ये बनने लगे। देन लिपिड्स और फैटी एसिड्स और लिपिड्स, ग्लिसरॉल, ये किसके हैं, ये फैट्स के मोनोमर है, तो ये बने, लिपिड्स बने, फैटी एसिड्स बने एंड फैट्स बने, और ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल और फैट्स में कंबाइन करके ही क्या बना, फिर लिपिड्स बने। एंड देन और बोला गया कि
शुगर्स बनी, सिंपल शुगर्स बनेंगी तो शुगर से बहुत सारी शुगर्स कंबाइन होके क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने बताया सिंपल शुगर्स ने कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाई है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल लिपिड्स बनाए, अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन्स बनाए, प्यूरिन पिरिमिडिन न्यूक्लिक एसिड बनाए हैं। तो हीट ऑफ द सन प्रोबेबली प्रोवाइडेड द एनर्जी, और ये एनर्जी हीट ऑफ द सन ने भी दी और यूवी रेडिएशन ने भी दी, और स्टेप्स इन्वॉल्व आपको यहाँ दिए हुए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया उस तरह से इसके स्टेप्स थे, किस तरह गैसेस आपस में रिएक्ट हुई अर्ली अर्थ में। तो हेल्डेन ने सजेस्ट किया कि एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द सी, सी के अंदर, समुद्र के अंदर ये मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे थे और सॉर्ट ऑफ हॉट डाइल्यूट सूप बन गया था ये। एंड हॉट डाइल्यूट सूप बनने के बाद मॉलिक्यूल एक दूसरे में कोलाइड हो रहे थे, रिएक्ट हो रहे थे, एग्रीगेट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये बना रहे थे। सो दिस वॉज द ओपरेन एंड हेल्डेन हॉट सूप हाइपोथिसिस, विच वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय यूरे एंड मिलर। मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स और फर्स्ट सेल्स प्रोटोबायोंट्स बने यहाँ पर। तो इनके और आगे जब मॉडिफिकेशन हुआ, न्यूक्लिक एसिड प्लाज्मा में और बाकी मॉलिक्यूल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्लोज हो गया, तो फर्स्ट सेल्स बन गए जिन्हें प्रोटोबायोंट कहा। अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बायलेयर है, उसने कुछ न्यूक्लिक एसिड्स को अपने अंदर रख लिया और उस न्यूक्लिक एसिड को रखकर यहाँ पर सेंटर में उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया और बाकी प्रोटीन्स वगैरह भी उसके अंदर आ गए। तो प्रोटीन्स के चेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन, मतलब और बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर आने लग गए, तो वो क्या हो गए, एक प्रोटोसेल्स इस तरह से बन गए। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन गिवन बाय ओपरेन एंड हेल्डेन, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे और वेल लेबल डायग्राम बना के आप इसे इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, विच देन वी विल बी डिस्कसिंग द एविडेंसेज ऑफ एवोल्यूशन। टिल देन यू रीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी, यू प्रिपेयर योर नोट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।